प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मौसम ग्रस्त प्रार्थना भवन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति आज मौजूद है, प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर है और चार दिशाओं की आशीषें आपको मिलने जा रही हैं, हालेलुया। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आप पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप हमारे प्रोग्राम को देख सकें, वचन को सुन सकें, प्रार्थनाओं को ले सके। और हमारा प्रार्थना भवन सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, दोनों लाइनें चालू हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे बंद रहता है। प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आज आपको तीन बातें बताऊंगा, वो तीन बातें जो आपके जिंदगी में शैतान के मंसूबों को तोड़ के रख देंगी, शैतान की योजनाओं को तोड़ के रख देंगी और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे, आप जीवन में खुशी और आनंद के साथ आगे भागेंगे, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज दुखों का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जीवन है तो सही पर जीने के योग्य नहीं बच गया, हालेलुया। जीवन है तो सही पर बहुत सारी चीजें उनके जीवन में ऐसी आ गई हैं कि वो जीवन जीना नहीं चाहते हैं। जिंदगी है, मरना चाहते पर मर भी नहीं सकते, जीना चाहते तो जी भी नहीं सकते, कुछ ऐसी बातें आती हैं। और आज मैं बहुत खास बातों के विषय में आपके ऊपर आपको आपको बताऊंगा, आपके ऊपर परमेश्वर प्रकाश डाले, आपके ऊपर परमेश्वर अपनी रोशनी को डाले और आपके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाए। मेरी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी में आशीषित हो जाएं। जब आप अपनी जिंदगी से, कई लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं और जिन्होंने दुख को अपना एक हिस्सा बना लिया है, जो सोचते हैं कि दुख तो मेरे जीवन का हिस्सा कुछ नहीं बदल सकता, दुख से समझौता कर लिया है और उसके साथ जीना जीना आरंभ कर दिया है और उन्हें लगता है कि यही जीवन है और उसके साथ जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाई बहनों, शेयरिंग करिएगा और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़े से वचनों के द्वारा मैं उन तीन बातों को बताऊंगा। आप अपनी बाइबिल को लेकर के रखें, इसी समय बाइबिल साथ में रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप डेली यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं और आपको वचन की भूख है और प्यास है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबिल जरूर लेके बैठे, अपनी नोटबुक लेके बैठे, अपना पेन लेके बैठे, ताकि जो वचन आपसे बात करता है आप उसे नोट कर सकते, ताकि आप उसे भूले ना, आपकी माइंड से वो स्लिप ना हो जाए और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, हालेलुया। खुदावन चाहते हैं कि आप आशीषित हो जाएं और इतने आशीषित हो जाएं कि सब आपसे पीछे रह जाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है और उस उपस्थिति से ही बंधन टूटेंगे, हालेलुया। क्या आप जानना चाहेंगे वो तीन बातें, क्या आप जानना चाहेंगे वो तीन बातें जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, हालेलुया, जिससे आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी, जिससे आपकी जिंदगी का आनंद दुगना हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में आनंद से जीते हुए आप अपने मन को घनिष्ठ प्रेम से भर देंगे परमेश्वर के और आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ये जिंदगी अभी छोटी, हमें और जीना चाहिए और हमारी लंबी आयु होनी चाहिए और हमारे जीवन के दिन जो है और बढ़ोतरी के होने चाहिए। क्या आज उन भेदों को, उन रहस्यों को जानना चाहेंगे आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर देना चाहता हर एक व्यक्ति को जो उसके पास आता है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना में जाएंगे, इन भेदों को जानने से पहले प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, प्रभु आज वो वचन खुदा जो आप देना चाहते हैं प्रभु, जो भरपूरी का वचन है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, पीड़ाओं रहित है पिता परमेश्वर, और प्रभु मन को तसल्ली देने वाला, धीरज देने वाला। जब व्याकुलता से हम बोझिल हो जाते हैं, जब परमेश्वर बेचैनी घेर लेती है, जब परमेश्वर परेशानी आती है, पिता आपका कलाम, आपकी आवाज हमारे कानों में आती है प्रभु जी, आवाज आती है कि यही मार्ग है, इस पर चलो। और जब हम उस पर चल देते प्रभु, आपकी बात सुन करके खुदा, उस मार्ग में बड़ा आनंद, बड़ी शांति, बड़ा धीरज, बड़े परमेश्वर का फ्रूटफुल वो हमारे लिए रहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने भाई और बहन आज इस समय वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, और अपने जीवन के हृदय के किवाड़ों को खोल दिया है, अपने जीवन के हृदय के, अपने जिंदगी के उन फाटकों को खोल दिया है, ताकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में आ सके, उनके हृदय की पट्टियों पर लिख सके, और प्रभु ये समझता है कि उन्हें स्मरण रहे और उसके द्वारा वो फल ला सके और आगे बढ़े। खुदा यीशु मसीह अपने जीवन का निर्वाह करने का तरीका यीशु मसीह सीखने पाए उन वचन के द्वारा, प्रभु अपने जीवन को पालन पोषण करने के लिए जिन्होंने अपने हृदय को खोला है उन्हें आज भरिए, उन्हें तृप्त करिए पिता परमेश्वर। आपकी शांति जो समझ से बाहर है पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों की जिंदगियों में आ जाए
और आज ये सीखे कैसे हम जीवन जी सकते, कैसे हम शैतान के उन मनसूबों को जो हमारे लिए विरोध में करता है, वो जो हमारे विरोध में वो घड़ता है, उन्हें कैसे फेल कर सकते हैं, जो हमारे लिए वो जाल बिछाता है उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं, जो वो चाल चलता है उस चालों को कैसे नष्ट कर सकते हैं, जो वो शैतान हमारे गिराने के लिए तीरों को छोड़ता है उसे हम कैसे समझ करके उससे बच सकते हैं, उसके तीरों को तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। प्रभु हर एक को बुद्धि दे और सामर्थ्य दे, और आपकी सामर्थ्य हर एक की जिंदगी में आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप शेयरिंग करें, और यदि आप पहली बार हमारे पेज पर हैं तो इस पेज को लाइक करिए ताकि आपको ये वचन निरंतर मिलता रहे। आज वो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं इन तीन बातों को सुनने के लिए? आप नोट कर लीजिए ताकि ये बातें आपको रोज स्मरण रहे। जब हम तीन बातों को अपनी जिंदगी में पकड़ लेंगे तो आप आजादी से जी सकेंगे, आपको सुकून मिलेगा अपनी जिंदगी में, आप अपने गमों से समझौता नहीं करेंगे, आप उस दर्द भरी पीड़ा भरी जिंदगी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको खुशहाल जीवन मिलेगा जब परमेश्वर आपको ये बातें देगा। और वचन का धन्य हो जाता है वो जो वचन को सुन के मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए हम निकालेंगे पहला थिसलिनो की ओर। नए नियम में पुस्तक है, नए नियम की पुस्तक में से पहला थिसलिनो की ओर उसका पांचवा अध्याय हम निकालेंगे, और हम इन वचनों को देखेंगे कि वचन हमसे क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में है, और मैं चाहूंगा कि आप बड़े धीरज के साथ बड़े आनंद के साथ बैठे ताकि वचन आपके जीवन में पूरा पूरा काम कर सके। हालेलुया, और अपने हृदय को खोल दीजिए, यदि हृदय बंद है खोल दीजिए, वो दरवाजों को खोलिए, फाटकों को खोलिए, अपनी इच्छा को ना चलाए। अपनी इच्छा चला चला करके बहुत सारे लोग अपने तरीके से चला चले अपनी जिंदगी में फंस गए हैं, उनके जीवन के रास्ते रुक गए हैं, जीवन पीड़ा में भर गए हैं और आनंद जो था वो छिन गया है। आज यदि हम अपना भरोसा प्रभु पर रखें तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, आइए पहला थिस्सलुनीकियों उसका पांचवा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 16 पद को। बहुत सुंदर वचन है, हालेलुया। 16 वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो। पहली बात है, आपको शैतान के मंसूबों को खत्म करने की पहली योजना है जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, वो है आपका आनंद। प्रभु का दास पौलुस किस परिस्थिति में उन्हें वचन लिख रहा था? जब वहां के लोग घिर गए, थिसलिनो के लोग जो है समस्याओं में थे, पीड़ाओं में थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी को बोझिल बना लिया। यदि आपका जिंदगी भी बोझिल, आपको बोझ लगती है, आपको जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, आपको आप डिप्रेशन में है या परेशानी में, आपको लगता है कि एक एक दिन जब कट जाता है अगले दिन में आशा है कि कुछ अच्छा आएगा, फिर भी अच्छा नहीं आता, आप देख नहीं पाते और आप इस बात को समझ लेते हैं कि अब तो जीवन का हिस्सा यही है और दुख को छोड़ करके कहां जाए, दुख तो हमारे जीवन का साथी बन गया है, और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को ढाल लेते हैं उसी की तरह जैसे दुष्ट चाहता है। दुष्ट हमेशा चाहते हैं आपके आपके वरदानों को छीनना, दुष्ट चाहता आपके आनंद को छीनना, पर जब आप आनंदित तो होते हैं, ये काम परमेश्वर नहीं करेगा, ये काम आपको खुद करना होगा। आपको अपनी जिंदगी से उस कचरे को हटाना है, आपको उस जिंदगी से उन चीजों को हटाना है जिससे आप बोझिल हो गए हैं। आप यदि पापों में जीवन बिता रहे हैं तो ये अनहोना है कि आप आनंदित हो जाएं। आप दोहरा जीवन जी करके, आप शैतान की बातों को मान करके, शैतान जब आपको कहता है कि पाप कर ले, थोड़ा सा कर ले और फिर चर्च भी चले जाना, या ये कर ले, मेरी बात सुन ले, वो भी कर लेना, या आलस हो करके, या बाइबल ना पढ़ के, प्रार्थना ना करके, जब शैतान कहता है प्रार्थना करने से क्या हो रहा है, जब इतने दिन से आप प्रार्थना करें कुछ नहीं हो रहा, वो आपके मनसूबों को खत्म करना चाहता है, अपनी योजनाओं को थोपना चाहता है, उस समय में बहुत जरूरी है उन चीजों को हटाना वहां से। हालेलुया, आपको कहने की आवश्यकता है शैतान मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं परमेश्वर का खरीदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं आज इस पे कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जब तुम्हारा जो मन है बोझिल हो गया चलते चलते इस जीवन के सफर में, सुनिएगा ध्यान से, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कहते पास्टर जी हम थक गए हैं, और जब उनके डील लोन को देखते हैं वो हष्ट पुष्ट है, वो जिम जाते हैं, वो अपने जॉब पर जाते हैं, अपने कामों को करते हैं,
मार्केट मार्केट भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, अच्छा पहन रहे हैं, परंतु कहते हम थक गए। किस बात में थक गए? वो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, जो जीवन चक्र है, उस चक्र में फंस गए, उस चक्रव्यूह में फंस गए। उसे तोड़ने की योजना उनके पास नहीं है, वो उसे कैसे बाहर निकले पता नहीं है। उस जीवन में जो परमेश्वर ने दिया, जो पृथ्वी पे परमेश्वर आदम ने आदम से कहा था फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ, वो भरने की प्रक्रिया भूल गए हैं। वो परमेश्वर के पृथ्वी पर कब्जा करने की प्रक्रिया चली गई है, फलने फूलने की आशा खत्म हो गई है। और उस समय एक व्यक्ति जब यही सोचता है यह जिंदगी खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, पर उस समय बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर वचन हमें बुलावा देता है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दे। उस समय में आप अपने बोझ प्रभु पर जब डालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में राहत पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है अपना बोझ उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसे ख्याल है तुम्हारा प्राण जब व्याकुल हो जाता है, जीवन से थक गया, जीवन से निराश हो गया है, उस समय प्रभु को अपने जीवन में आने दें। उसे कहें प्रभु आ, पवित्र आत्मा आ, और मेरे जीवन को उस व्याधि से छुड़ा के मुझे आनंद से भर दे। और देखिए परमेश्वर आएगा, आपके जीवन को आनंद से भर देगा। इसलिए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं कहते हैं, सबसे पहली बात, जब जीवन जीने को आसान करना चाहते हैं, जब जीवन में कुछ और अच्छा देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहे? जब आप आनंदित रहेंगे शैतान जलेगा, जब आप खुश रहेंगे हर बात में, अगर आपको हंसी भी नहीं आ रही ना, शैतान पर फिर भी हंसी है, देखिए वो जलेगा, वो जलेगा कि इसकी हंसी के पीछे क्या राज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग आपको सता रहे हैं, जब आप शोक में बैठे हैं, जब आप गहरे दुख में हैं, जब आप गहरे संकट में, जब आपके चारों तरफ अंधियारे ने आपको झंझोड़ दिया है, घेर लिया है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, उस समय आपको अपने डैडी को अपने पिता को आवाज लगाने की जरूरत है, पिता मैं यहां पर फंस गया हूं, प्रभु देख शैतान मेरे साथ ये कर रहा है, प्रभु देख उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, देख उन भाइयों ने मुझे ऐसा बुरा भला बोला है, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मेरे साथ अच्छी बात नहीं की, तो परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में आ। और परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में आएगा, जब आप जिस जीवन को आप बोझ समझ रहे हैं, वो आपको उस कंप्रोमाइज करने की दशा से बाहर निकालेगा, आपके हाथ को पकड़ेगा और आपको बाहर निकाल लेगा, और उसी से आप आनंदित हो सकते हैं। प्रभु का आनंद आपकी ताकत बन जाएगा और शैतान के मनसूबों को खत्म कर देगा। दूसरी बात यहां पर लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात है निरंतर प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब यह है जितने लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं वो आनंदित नहीं रह सकते, इसका मतलब तो यही है। जितना लोग अपने प्रार्थनाओं में हार जाते हैं कि हमने तो बहुत दिनों से प्रार्थना करे, हमें 2 महीने हो गए, हमें 4 महीने हो गए, पास्टर हम कितने सालों से दुआ कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, और इसलिए हमने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया पास्टर जी, अब तो सब कुछ छोड़ दिया, अब लगता है कहीं कुछ नहीं है। ये हैं वो हारे हुए लोग, ये वो थके हुए लोग जिन्हें शैतान ने थका दिया, जिनके ऊपर बोझ था कमाई का, जिनके ऊपर बोझ था घर परिवार संभालने का, जिनके ऊपर बोझ था अपने बच्चों का, जिनके ऊपर अपनी जिंदगी का बोझ भी था। शैतान ने एक्स्ट्रा चिंताओं का बोझ ला करके और डिप्रेशन का बोझ ला करके, मृत्यु का भय ला करके और कर्जे का भय ला करके, और उन्हें बोझिल कर दिया, उनके कंधों को दबा दिया, उनके कंधे झुक गए हैं, वो खुद चलते चलते झुक गए, आशाहीन कर दिया, बलहीन कर दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करना ही एक यही वो हथियार है जिससे आप शैतान को हरा सकते हैं। निरंतर प्रार्थना वो ऐसा हथियार है जिससे आप उसके मनसूबों को खत्म कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपकी प्रार्थनाएं, बहुत सारे लोग ये भी विश्वास रखते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं परंतु उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, कमजोर सी प्रार्थना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्हें दूसरे लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे यहोशू एक कर्मठ विश्वासी है, यहोशू के बारे में लिखा है कि वो सफल व्यक्ति है, वो युद्ध लड़ सकता है, परमेश्वर उसके साथ है, और वो युद्ध में जब गया, जब संग्राम में गया, युद्ध युद्ध नहीं रह गया, संग्राम बन गया, और वो संग्राम इतना बड़ा हो गया कि उसे वो जीतना कठिन हो गया। और वो कैसे जीता? जब उसने मूसा को कहा, मूसा की ओर देख, मूसा हमारी सहायता कर, मूसा ने अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए, मूसा उनके लिए प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में सपोर्ट देने लगा, और जैसे प्रार्थना की सपोर्ट मिली वो जयवंत हो गए।
आपको भी प्रार्थनाओं की सपोर्ट की जरूरत है, बेशक आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको एक ऐसे अगुओं की जरूरत है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें। आप उनसे सहायता मांगे कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप उनसे सहायता मांगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप शैतान के सामने, आकाश के स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर का जो स्पेस है जिसमें अंधकार की शक्तियां घूमती हैं, जिसमें शैतान की ताकतें घूमती हैं, जिसमें जादू टोना घूमता है, जिसमें टोटके घूमते हैं, जिसमें अन्य आराधनाएं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं वो घूमती है, आप उनके विरुद्ध में एक बड़ा युद्ध छेड़ रहे हो और उस युद्ध में वो डेफिनेटली आप ही जीतेंगे अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पीछे कोई और प्रार्थना कर रहे हैं, आपके रिलेशन जुड़े हैं परमेश्वर से और आप निरंतर प्रार्थना में बने हुए। जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करवा रहे हैं तब तक आपका युद्ध चल रहा है। वो स्वर्गदूत उस दुष्ट दूत से लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो दुष्ट दूत आपको नाश करना चाहता है, परंतु अच्छे वाला दूत जो है, जो स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो आपकी आपको बचाने के पक्ष में लड़ रहा है। एक युद्ध चल रहा है मेरे भाई बहनों, समझने की कोशिश करना पड़ेगा इसे। और जितने लोग प्रार्थना ना तो लेते, ना करते, ना कराते हैं, ना दूसरे के लिए करते हैं, ना खुद करवाते हैं, ना खुद करते हैं, अपने लिए भी नहीं करते, उनका तो क्या ठिकाना, उनका कोई ठिकाना नहीं, वो क्या होगा, क्या हाल होगा, वो खुद ही जान ले। क्योंकि इस बात से हम अनभिज्ञ ना रहें, बाइबल में लिखा हे प्रियो उन बातों से तुम अनजान ना रहो। कौन सी अनजान बातें हैं? जब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा जब उतर के धरती पर आता है, उसका एक उद्देश्य है आपकी जिंदगी में आने का, उसका उद्देश्य है आपकी जिंदगी में आने का। हालेलुया। जब एक व्यक्ति दानियल जैसा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसके उत्तर नहीं है, वो 21 दिन प्रार्थना करने वाला है, सोचिए आप 5 मिनट दुआ करने वालों का उत्तर कैसे आएगा। वो 21 दिन में उसका उत्तर आया, 21 दिन तक रात और दिन लगा रहा, बैठा रहा अपनी कोठरी में, युद्ध चलता रहा, बहुत कठिन युद्ध बन गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया और परमेश्वर के दूत ने बड़ी पावर के साथ, क्योंकि उसका दास, उसका सेवक, प्रभु का सेवक प्रार्थना में लगा हुआ था और उसे जीत करके आया। और जब तक उसने प्रार्थना बंद नहीं की, सोचिए आपकी आधे घंटे की प्रार्थना, आपकी 5 मिनट की प्रार्थना, जो लोग सोचते हैं 5 मिनट की प्रार्थना कर लिए और हम जीत जाएंगे, तो कैसे होगा? होगा जरूर अगर आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, अगर आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके पास आपके अगुओं का हाथ है, आपके ऊपर आपके पासवानों का हाथ है, आपके पीछे आपके कोई स्पिरिचुअल फादर, आपके अगुवे, आपके आत्मिक पिता आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप निश्चय जय पाएंगे। क्योंकि आपका युद्ध यहां नहीं है, आपका युद्ध पृथ्वी का नहीं है, आपका युद्ध पृथ्वी और आकाश के बीच में जो सेनाएं हैं उनके साथ चल रहा है। और ये आप जय पा सकते हैं हर एक परिस्थिति पर। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। मुझे खुशी होती है जब मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रार्थना, मुझे विश्वास है, प्रार्थना वो हथियार है जो शैतान की हर एक तीर को काट देगी, वो दोधारी तलवार है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो शैतान के बनाए हुए मनसूबों को तोड़ सकता है, उसके बाड़े को जो वो खड़ा करता है हमारे चारों तरफ उसे खंडित कर सकता है। प्रार्थना वो हथियार है, इसीलिए वो बहुत जरूरी है प्रार्थना करना, वचन के साथ, वो भी बिना वचन के नहीं, वचन के साथ, वचन उसमें होना चाहिए। और जिन्होंने दुआ करना छोड़ दिया वो भयानक दशा में फिर से फंस गए। परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने निकाला और दुआ करना धीरे 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 सुस्त हो गए, संसार की चिंताओं से भर गए, बोझिल हो गए और प्रार्थना करना छोड़ दिया और वो भयंकर अंजाम झेल रहे हैं आज भी। और जो प्रार्थना करते ही नहीं, जो प्रभु को जानते ही नहीं, वो तो शैतान के वश में ऑलरेडी हैं। जो प्रभु से दूर है, क्या आप ऐसे परमेश्वर से मित्रता करना नहीं चाहेंगे जो आपकी ओर से लड़ता है? जब आप घुटने टेकते हैं आपका युद्ध शुरू हो जाता है, जब आप घुटने टेकते हैं आपके लिए परमेश्वर लड़ना शुरू करता है। हालेलुया। और जिन्होंने दुआ करना छोड़ दिया, ये सोचिए उनका युद्ध कौन जीतेगा? आपके पक्ष में तो दूत हैं, प्रभु का वचन कहता है मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा वो तेरी सेवा करें, वो तेरी रखवाली करें, तेरे लिए काम करें। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं वो युद्ध लड़ते हैं, और जो दुआ नहीं करता उसका युद्ध नहीं लड़ा जा रहा, वो बोझिल है, वो
करप्ट हो चुका है, उसके जीवन में जो श्राप है वो बने रहे हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जी सकते हैं प्रार्थनाओं में बने रह करके। तीसरी बात यहां पर पढ़ेंगे, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। किस बात में धन्यवाद करो? जो आप खा पी रहे उसमें धन्यवाद करें, जैसा आप जीवन जी रहे जिस दशा में भी हैं खुशहाल हो करके प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो धन्यवाद जरूर करोगे, जब आप आनंदित रहोगे तो धन्यवाद जरूर निकलेगा, और जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर बात में, दुखों में भी, सुख में भी, परेशानियों में भी, खुशी में भी और गम में भी, और चलते हुए भी, वो खुदावंद आपकी खुशियों को आनंद के जैसा बना देता है, आनंद भर देता है, और आपके दुखों को भी आनंद में बदल देता, आपके विलाप को नृत्य में बदल देता। सारी चीजें, जब दुख भी आते आपको दुख जैसा एहसास नहीं होता, आपके पास जब कमियां आती हैं आपको भरपूरी जैसा एहसास लगता है उनमें भी, और आपको किसी बात की घटी नहीं होती है। ये तीन चीजें हैं जो आपके जीवन को पावरफुल बनाती हैं। हर बात में थैंक्सफुल होना, परमेश्वर ने कम दिया फिर भी थैंक्सफुल, अय्यूब की तरह, प्रभु ने दिया धन्यवाद, प्रभु ने लिया तब भी धन्यवाद, प्रभु ने प्रार्थना सुनी तब भी धन्यवाद, प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी तब भी धन्यवाद। यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने काम नहीं किया हमने छोड़ दिया उसको। हम क्या परमेश्वर को छोड़ेंगे? यदि परमेश्वर हमें छोड़ दे तो हमारे प्राण ही खत्म हो जाएंगे। हम क्या परमेश्वर को छोड़ सकते हैं? सोचिए, उसने हमें भी अभी भी नहीं छोड़ा, उसने वादा किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए हम जीवित हैं। क्यों हमें धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि लिखा है कि हर हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सुनने वालों के लिए जो आज सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए मसीह यीशु में हो करके, यीशु मसीह के बिना नहीं, उस दरवाजे से, उस डोर से हो करके, उसमें प्रवेश करते हुए परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम धन्यवादी बनो, तुम आनंदित हो जाओ, तुम प्रार्थना करने वाले योद्धा बनो, तुम थैंक्सफुल हो जाओ, तुम्हारे जीवन में जो भी मिलता है उसे मुट्ठी उठाकर धन्यवाद करें, उसे अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें, एक्सेप्ट करें परमेश्वर की दी ब्लेसिंग को। जो परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को रिसीव नहीं करता वो उसे खो देता है। मैं एक परिवार को जानता हूं, छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उसे परमेश्वर ने, जब उनका विवाह हुआ, परमेश्वर उन्होंने एक बेबी दिया, और वो भय भी थे, भय में जी रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, थैंक्सफुल नहीं थे वो। थैंक्सफुल नहीं होना क्या कितनी गड़बड़ लाता है। वो थैंक्सफुल नहीं थे और बाइबल पढ़ते थे, वचन वचन को जानते थे, धन्यवाद करते थे, ये भी जानते थे कि पवित्र आत्मा है, ये भी कहते थे पवित्र आत्मा सब बड़े बड़े काम कर सकता है, उन्होंने चमत्कार होते देखे उनके द्वारा, मैंने देखे लोगों के जीवन बदलते हुए, मैंने खुद उनके द्वारा लोग चंगे हुए थे देखे, विश्वास में आते हुए देखे, अपने जीवन को बदलते हुए देखे। पर उनका विश्वास अगर देखा जाए, पैरामीटर देखा जाए, 50-50 था। हालेलुया, आधा प्रभु पर आधा अपने भरोसे पर। जब उनका विवाह हुआ और वो एक एक हुए, और उनको परमेश्वर ने, उनकी पत्नी को गर्भवती किया, उन्हें चिंतित हो, वो चिंतित हो गए, अब ये बच्चा आएगा, बेबी आएगा, हम इसे कहाँ से खिलाएंगे, हमारे लिए किराए के लिए मकान के लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, हम खुद पर्याप्त धन नहीं है हमारे पास कि हम ऐसा कर सके। और उन्होंने डॉक्टर के पास गए और कुछ मेडिसिन वगैरह ली उन्होंने, और उस बच्चे को, उसको खंडित कर दिया, और परमेश्वर की दी हुई आशीष को बेकार कर दिया, और वो बेबी उनके गर्भ में नहीं रहा। फिर मानो कि उसकी आत्महत्या कर दी गई हो, मानो कि उसे गर्भ में घोट दिया गया हो। वो परमेश्वर की उत्पन्न होने वाली आशीष थी, बाइबल में लिखा गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है, और वो दी हुई आशीष को उन्होंने इनकार किया, हमें ये नहीं चाहिए, उन्होंने टैबलेट को इस्तेमाल किया और गर्भपात कर दिया उसको, और ऐसा करने से वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था जो उन्होंने किया। और उसके बाद भी वो कई सालों तक प्रभु में चलते रहे, अभी भी प्रभु में है, परंतु वो ब्लेसिंग जो उन्होंने परमेश्वर से लेनी थी, जो स्वीकार करनी, जिसे उसने ठुकराया था, उससे आज भी वंचित है। आज वो चाहते कि हमें परमेश्वर बेबी दे, आज उनके पास बेबी नहीं है, आज वो अवसर को खो चुके हैं। परमेश्वर वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो, जब समय निकल जाता है कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने जब परमेश्वर ने देना चाहा,
उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार किया, अब वो लेना चाहते हैं, अब परमेश्वर उनकी तरफ देख नहीं रहा, अब परमेश्वर नहीं देख रहा। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। बहुत सारी बहनें आज क्यों 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 इन चीजों से वंचित हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में यही पाप किए हैं, यही पाप किए, गर्भपात कर दिया, टेबलेट खाए, कुछ न कुछ ऐसी चीजें की हैं जो परमेश्वर की दी हुई आशीषों को खत्म कर दिया। आज वो मांगना तो चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो परिवार आज नाक रगड़ के दुआ करता है, आज रो रो के प्रार्थना करता है, और उनके उनके वर्ष ज्यादा हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, 10 के 12 साल हो गए हैं, आज उनके पास बेबी नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर की ना सुनने के कारण। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग दी उसको तिरस्कार करना, उसको ठोकर मारना, उसके थैंक्सफुल ना होना। सोचिए, हम जब थैंक्सफुल नहीं होते तो दूसरे के दायरे में आते हैं, और डेवल हमेशा श्रापित स्थानों में ले जाता है। आज उनकी भूमि श्रापित हो गई है, जिस भूमि से संतान आनी थी वो भूमि श्रापित हो गई। आज वो चाहते कि अच्छे फल आए, अच्छे फल नहीं है। आराधना तो निकलती है, धन्यवाद तो निकलता है, दूसरों को वचन तो सुनाते हैं, पर एक कमी आज भी उनके अंदर रह गई है, जिसकी टीस उन्हें खाई जाती है, जिनकी टीस उनके परिवार को, उनकी सास को, उनके भाइयों को, उनके परिवारों में लेकर के उनको जीवन में ऐसे कोंदती है कि उनका आत्मा जो स्पिरिट जो उन्हें खुद खाता है, खुद खाता है कि उन्होंने किया क्या है, उन्हें अनजाने में किया, जानबूझकर किया। परमेश्वर उन्हें माफ करे। मेरी दुआ है कि परमेश्वर उन्हें फिर से फलवंत करे, उन पर दया करे। मेरे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को पा रहे हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे बेबी की ब्लेसिंग है चाहे वो धन संपत्ति की ब्लेसिंग है, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई बहनों, शैतान अपने जाल को आपके ऊपर फैलाना तो चाहता है, आपको केयरफुल रहना है, आपको ध्यान रखना है कि शैतान का जाल हमारे बच्चों पर, हमारे पत्नियों पर, हमारे नाती पोतों पर, हमारे वंश पर ना आ जाए, जिसके कारण कोई गलत काम में हम फंस ना जाए। चौकन नहीं रहना है, सावधान रहना है। इसलिए यीशु ने कहा, सावधान रहो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम जब प्रार्थना में लगोगे तुम मजबूत होगे, जब तुम सावधान रहोगे, आंखों को खोल के रखोगे तो देखते रहोगे, शैतान के मनसूबों को, उसके तीरों को नाश करोगे, उसे खंडित करोगे और उसके मनसूबे टूट जाएंगे, और कोई बात नहीं है उसे तोड़ने के लिए। आपको चतुराई में वो फंसाना चाहता है। डेवल चाहता है कि प्रभु के तो रहें परंतु इनका वंश खत्म हो जाए। शैतान ने उनके वंश को खत्म कर दिया, अब वंश आने की कोई आशा नहीं है। परमेश्वर ही दया करे तो वंश आ सकता है, परमेश्वर ही दया करते कुछ हो सकता है। लोगों ने अपने जीवन में अपने श्राप अपने कामों के द्वारा भी लाए गए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके कामों के द्वारा श्राप आए हैं, उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्होंने जिंदगी में गलत चीजों को देखा है, उन्होंने जिंदगी में प्रभु पर मन नहीं लगाया, आनंदित नहीं हुए उस आशीष को लेकर के जो प्रभु ने दी। कई लोगों को परमेश्वर खुदा पैसा देता है फिर भी खुश नहीं होते, प्रभु ये तो कम है, दुखी होते हैं, ऐसे कम है प्रभु ये तो, और सड़ा हुआ मुंह बनाते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने दिया, इसमें भी खुश नहीं। परमेश्वर वचन नहीं पढ़ते, इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं जो थोड़े में विश्वासी है मैं उसे ज्यादा दूंगा, थोड़ा मिला है खुश हो जाइए, धन्यवाद प्रभु तूने ये दिया मुझे और ज्यादा देगा। परमेश्वर की थैंक्सफुल होने से ग्रेटेस्ट जो है, जो आत्मिक आशीष है, जो शारीरिक आशीष है, जो फाइनेंस की आशीष है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई ब्लेसिंग की आशीष है, जो सबसे महान आशीष है, उनको आप प्राप्त करते हो मेरे भाई बहनों। और ये कब होता है? जब आनंदित होते हो और उसके बाद प्रार्थना करते हो और उसके बाद हर बात में धन्यवाद करते हो, एक बड़ा मार्ग खुलता है, एक बड़ा रास्ता खुलता है प्रभु के पास आने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए खुलता है। जो भी खुदा ने दिया उसे खुदा के साथ शेयर करे, प्रभु आपने बेबी दिया धन्यवाद, आपने प्रभु हमें धन दिया धन्यवाद आपका, आपने प्रभु मुझे बच्चे दिए हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी मैरिज हो गई है धन्यवाद, आपने नाती पोते दे दिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बुरी दशाओं से प्रभु, जब संसार पीड़ाओं में है, करहा रहा है प्रभु, संसार के पास धन नहीं है, दौलत नहीं, खाने को रोटी नहीं है, उस समय आपने हमें रोटी दी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उस समय प्रभु जब लोग ठंड से मर रहे हैं, आपने हमें कपड़े दिए हैं, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर को अगर आप देखें, आप अपनी लाइफ को देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने उनके लिए आपसे कुछ नहीं टैक्स लिया, उसने आपका टैक्स भर दिया क्रूस पर अपना लहू बहा के, आपका टैक्स चुका दिया है, अपना लहू देके तुम्हें उस बंधुवाई जो शैतान की थी उसमें खरीद लिया है।
मेरे भाई बहनों, उसने अपना काम कर दिया है, अब हमारा काम है कि थैंक्सफुल रहें। हमारा काम है उस परमेश्वर को, महान परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को परमेश्वर की महिमा करके दिखाएं। हालेलुया। कल कल मुझे मौका मिला, एक छोटी सी गवाही बताना चाहता, कल मुझे मौका मिला ऐसी जगह जाने का जहां मैंने 13 साल प्रभु की सेवकाई की, 13 ईयर पूरे हुए, और मैंने वहां गया और वहां पर मेरे सारे अधिकारी जो प्रभु में हैं सब के सब, आप शायद जानते हो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सीबीएन फाउंडेशन एक नई जिंदगी प्रोग्राम जो आता है उसमें मैंने 13 साल काम किया, और उन 13 साल में जब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, जब मैंने वहां काम करना शुरू किया, इतने ब्लेस्ड नहीं थे हम जितने आज हैं। लाखों, पता नहीं उन 13 सालों में कितने लाख लोगों के लिए दुआएं की, कितने लाख लोगों के लिए प्रार्थनाएं करके, कितनी आउटडोर मीटिंग, इंडोर मीटिंग, कितने घरों में गए, कितने कितने प्रोग्राम्स किए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 13 सालों का सफर आसान नहीं था। उन 13 सालों में ऐसे लोगों के आंसू पहुंचने का मौका मिला जो रोते थे, कराते थे, हम जीवन जीना चाहते, मरना नहीं चाहते, पर जिंदगी नहीं हमारे पास। मेरे पास ऐसी कॉल्स आती थी कि लोग कहते थे, मैं अभी बस स्टूल पे खड़ा हूं, फांसी का फंदा लटका हूं, मैं मरना चाहता हूं, और इसलिए कॉल कर दे कि आप क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को बचा लेने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया उन 13 सालों को। जब कल मुझे वहां जाने का मौका मिला, मुझे इनवाइट किया उन्होंने, मैं कल वहां पर था, मैंने उन बातों को बताया, शेयर किया, मुझे प्रार्थना करने का मौका मिला, वहां बहुत सारे लोग थे, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि उसकी महिमा को मैं बांट सका, और मैं थैंक्सफुल हूं उस बात का कि जिस परमेश्वर ने मुझे वहां रह करके वफादारी, प्रभु के प्रति वफादार कैसे हुआ जाता है, बिना वफादारी, बिना ईमानदारी के हम खुदा का काम में सक्सेस नहीं हो सकते। वफादारी मैंने सीखी, ईमानदारी मैंने सीखी, दूसरों के आंसू कैसे पहुंचे जाते हैं, दूसरे के दुखों में कैसे भागी हुआ जाता है, दूसरों को गड्ढे से कैसे निकाला जाता है, वो सारी प्रक्रियाएं मैंने सीखी, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख अब परिपक्वता आ गई है, अब वो फ्रूट आने का समय आ गया है, अब कटनी का समय आ गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पिछले 13 साल मेरे आशीषों से भरे थे, और उसने मुझे तैयार किया ऑसम ग्रेस प्लेटफॉर्म के लिए, कि ऑसम ग्रेस पे बैठ करके आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। आप लोगों में कितने लोग हैं इन 3 सालों में, जब से ऑसम ग्रेस शुरू हुआ, इन 3 सालों में कितने लोगों के आंसू पहुंचे गए, कितनी जगह पर विजिट की गई, कितने डोर टू डोर, जितने आउटडोर और इनडोर प्रार्थनाएं हुई हैं, कितनी दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हुए हैं, कितने लोग मृत्यु की कगार से बाहर आ गए, कितने लोग भवन में आकर के आशीषित हो गए, जीवन जीने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए। हालेलुया। मैं खुदा का लाखों लाख, क्या करोड़ों बार, अरबों खरबों बार धन्यवाद हूं, धन्यवादी हूं कि उसने मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को, जो योग्य नहीं था, उसने कीचड़ में से उठा करके और उसने योग्य बनाया, धोया और साफ सुथरा करके, अपने जैसा बना करके, जैसा उसका व्यवहार था, जैसा उसका उसका कैरेक्टर था, ऐसा बना करके खड़ा कर दिया कि अब काम कर, अब मैं तेरे साथ हूं। वो प्रार्थनाएं, 13 साल की प्रार्थनाएं, वो चीजें जो मेरे जीवन से गुजरी थी, आज वो मेरे अनुभव है, हजारों लाखों गवाहियां मेरे पास हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में इतने काम किया। मेरे पास एक अवसर ऐसा नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं, मेरे पास एक मौका ऐसा नहीं, ऐसी एक कोई बात नहीं जिसके लिए मैं प्रभु का इनकार कर दूं, जिसके लिए मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मैं प्रभु को छोड़ सकता हूं। मेरे पास सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए मैं प्रभु में और लिपट जाता हूं, और आगे बढ़ जाता हूं, और परमेश्वर की महिमा करता हूं। इसलिए थैंक्सफुल होना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद दिया कल, लोग तालियां बजा रहे थे, बहुत चीजें हो रही थी, क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो अनुभव छोटा नहीं था। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपको बनाती है, बिल्ड करती हैं आपको, प्रभु में आपकी विश्वास योग्यता, प्रभु में आपकी आशीष को बांटना, प्रभु में आपकी ब्लेसिंग को थैंक्सफुल होना। जैसे भी हम तेरे हैं प्रभु, हम पापी हैं फिर भी तेरे हैं प्रभु, हम पापी भेड़े हैं फिर भी तेरे हैं प्रभु, पर हम पर रहम कर, हम पर कृपा कर, हम पर दया कर कि हम और अच्छे हो सकते हैं। जिस मैं समझ पाया 13 साल में उस बुलाहट को जिसके लिए मुझे बुलाया परमेश्वर ने, उंगली पकड़ के बुलाया था,
अब मैं समझ चुका हूं कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया हुआ है। लोग एक दिन में बुलाहट समझना चाहते हैं, सोचते हैं यही बुलाहट है। नहीं मेरे प्रियो बहनों भाई, वो आपकी भावनाएं उछल रही हैं और वो कहीं ना कहीं धोखा देंगी। बुलाहट को समझने के लिए आपको प्रभु के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, आपको आत्मिक अगुओं की गाइडनेस की आवश्यकता है, आपको आत्मिक अगुओं की सहायता की जरूरत है, प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपको जरूरत है कि आपको आत्मिक अगुवे सहारा लगाएं। बिना उनके सहारे आपका छोटा सा बच्चा जब बेबी पैदा होता है, बिना आपके सहारे वो कभी चलना नहीं सीख सकता। उसे बड़ों का सहारे की जरूरत है, उसे बड़ा बनने के लिए बड़ों की जरूरत है। वो छोटा तो ऑलरेडी है। आपको ये समझ ने कहा जो बच्चे के समान छोटा ना बने स्वर्ग में नहीं। हमें छोटा बनने के लिए बच्चे की जरूरत है, परंतु हमें बड़ा बनने के लिए बड़ों की जरूरत है कि हम बड़े बन जाएं। हमें आत्मिक बनने के लिए आत्मिक लोगों की जरूरत है, हमें स्पिरिचुअल व्यवहार में आने के लिए स्पिरिचुअल व्यवहार वाले लोगों की जरूरत है, हमें परमेश्वर के लोगों की जरूरत है कि हम उसकी जैसी प्रक्रिया में आ जाए जैसा प्रभु चाहता है हमें। क्या आपने प्रभु प्रभु से कभी कहा, प्रभु मैं किस लिए बुलाया गया हूं, प्रभु जिस लिए बुलाया गया मुझे लेके चलो वहां। रोज तो हमारी प्रार्थना यही रहती है ना कि प्रभु मेरे 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 बच्चे फाइनेंस जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो ऐसी प्रार्थना ही रहती है रोजमर्रा की। जो रोजमर्रा की चीजें हमारी प्रार्थनाएं ऐसी रहती है, पर क्या कभी आपने सोचा आपने किस लिए विश्वास किया? क्या प्रभु से कहा, प्रभु मैंने जिस लिए विश्वास किया था उसमें मुझे बढ़ा, मुझे जरूरत है, किस लिए तूने मुझे बुलाया वो मुझे दिखा, कहां पर ले जाना चाहते मुझे बता, कौन सी जगह आप मुझे चाहते हैं कि मैं ब्लेस हो सकता हूं, कौन सी धरती है जो तूने मेरे लिए रखी है, कौन सी बातें हैं जो तूने मेरे लिए रखी हैं? क्या आपने कभी सोचा मेरे भाई बहनों? आप कभी ये कब सोचेंगे? आप ये जब सोचेंगे जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, जब आप अपने संसारिक जीवन को, कल वचन दिया था जिन्होंने कल का वचन नहीं सुना वो सुनिएगा, वो दोधारी तलवार आपके गूदे गूदे को आर पार करेगी, आपकी आत्मा को आर पार करेगी, आपके शरीर को, आपके देह को, आपकी हड्डी हड्डी को, आपकी नस नस, आपकी रग रग, आपके सोच विचारों को सुरक्षित करके आर पार करेगी, छन्नी में छानेगी, और आप रियल में उभर के आओगे, रियल में उभर के आओगे। परमेश्वर आपके कैरेक्टर को उभारेगा, बिल्ड करेगा और दिखाएगा कि आप उस नगर के समान हो जाओगे जो पहाड़ पे बसा हुआ है, आपके लिए दीवट तैयार है, बस आपको कुम्हार के समान, कुम्हार की मिट्टी के समान उसके हाथ में आना, ताकि वो बनाए आपको एक ऐसा दीपक, आपको एक ऐसा बर्तन जिसमें वो भर सके कुछ अच्छा, जिससे रोशनी दिखा सके वो परमेश्वर लोगों को। आज लोग अंधकार में चल रहे हैं, आज लोगों ने जीवन जीने के तरीके को शैतान के तरीकों को जीवन जीने का तरीका बना लिया है, आज लोगों ने ओझाओं के पास जाके उसे जीवन जीने का, अपनी जिंदगी को सुधारने का तरीका बना लिया है, आज लोगों ने अपनी दबी हुई दशा को अपने जीवन जीने का तरीका बना लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आशाहीन हो गए, आशा छोड़ चुके हैं। आज पृथ्वी करा रही है, परंतु पृथ्वी आज भी आपके और मेरे परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है कि वो हो, प्रकट हो, वो तब होंगे जब आप आनंदित आनंद से भरेंगे, वो तब होंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, वो तब होगा जब थैंक्सफुल होंगे हर बात में, अपने गुनाहों को छोड़ करके, अपने पापों को छोड़ करके आप थैंक्स बोल सकते हैं। एक व्यक्ति पाप में चलता हुआ आनंदित नहीं हो सकता, एक व्यक्ति अपनी संसारिक जीवन में लिप्त रहे और चाहे कि वो आनंद से भरा रहे नामुमकिन है ये। एक व्यक्ति संसार में पूरा समय दे, 24 घंटे खत्म कर दे और कहे कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूं, नामुमकिन है। एक व्यक्ति लोगों का धन्यवाद करे, प्रभु का ना करे, नामुमकिन है कि परमेश्वर का थैंक्स बोल सके। हम अपने जीवन को सेपरेट करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को अलगाव, हम दूसरों से अलग, वी आर डिफरेंट, हम भिन्न हैं दूसरों से, हम चुने गए लोग हैं, हम बुलाए गए लोग हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है कुछ बड़े काम के लिए, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए, रोटी कपड़ा और मकान कमाने के लिए नहीं है, वो तो परमेश्वर कहता है मैं अपने आप दे दूंगा। उसने हमें बुलाया मेरे राज्य की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, उस राज्य में जो है वो सब मिलेगा, उस जिस राज्य की तू खोज करेगा उसमें जो रखा हो तेरे लिए सब मिलेगा। हालेलुया, सब कुछ मिलेगा जो स्वर्ग, इसलिए पौलुस कहता है स्वर्ग के बातों पर ध्यान लगाओ, वहां विद्यमान है। क्या चीजें हैं स्वर्ग में, क्या चीजें रखी हुई हैं, क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने सोचा कि आप अपने पैसे स्वर्ग की बातों को खरीद सकते हैं?
क्या आपने सोचा स्वर्ग में प्लॉट कटवा सकते हैं आप, जिसमें ना कोई पैसा, ना दान, ना कुछ, ना हमने कुछ खरीदा, ना हमने इकट्ठा किया, ना हमने वहां के लिए वस्त्र बनाए हैं, ना हमने वहां के लिए सड़कें बनाई, ना हमने वहां के लिए कुछ बनाया। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां के लिए कुछ करा ही नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट जीरो है हमारा, और हम प्रभु के पास आए भी नहीं। अगर हम जीरो हैं, हम रिजल्ट में जीरो हैं, हमने कुछ करा भी नहीं है, तो कम से कम इतना कर सकते प्रभु, हम तो योग्य नहीं है प्रभु, हम तो जीरो है प्रभु, परंतु आप ही की दया से, आप ही के अनुग्रह से हम उसमें प्रवेश कर सकते प्रभु, आप हम पर दया करिए, तब वो आपको उन चीजों को देगा। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आप सभी के लिए एक बात और कहना चाहता हूं, अपने लिए ऐसे अगुओं को ढूंढिए जो आपके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए ऐसे अगुओं को ढूंढिए जब आप युद्ध में खड़े हैं आपको प्रार्थनाओं की सपोर्ट दे सके, उनसे आप प्रार्थना विषय दे सके कि मेरे लिए प्रार्थना करो। बी सीरियस, अन्यथा आप लड़ते रहोगे, थक जाओगे, यहोशू की तरह थक जाओगे, युद्ध खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमें कॉल करिए, इफ यू नीड, अगर आपकी जरूरत है, आपको लगता है हमें सपोर्ट की जरूरत है, आपको लगता है कि हमें किसी आत्मिक अगुओं की प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपको लगता है कि हम जय नहीं पार पा रहे हैं परंतु हमें सहारे की जरूरत है, तो ही आप हमें कॉल करें। यदि आपको लगता है हम बिल्कुल ठीक जीवन जी रहे, धन्यवाद, बहुत बेटर है। यदि आपको लगता है आप अपने तरीके से जी सकते हैं, अच्छी बात है। यदि अपने जीवन के तरीकों को अपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, आप एज यू लाइक, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है प्रार्थनाओं की, मुझे आवश्यकता है, मेरे अगुवे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं अपने अगुओं से कॉल करता हूं, प्रार्थना आपके लिए क्या जरूरी है, खुश रहना, प्रार्थना करना, प्रभु का धन्यवाद करना, या फिर संसार की बातों में लिप्त रहना, संसार की खुशी में खुश हो जाना, संसार में जब दुख आए दुख हो जाना, संसार में जब श्राप पड़े श्राप में आ जाना, संसार में जब महामारी है महामारी आ जाना, या फिर उनसे बचना प्रभु की तरफ हो करके, ये बहुत जरूरी है। मैं दुआ करता हूं आपके लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए, आप सबके बच्चों के लिए, देवेंद्र जी आपके बच्चों के लिए भी मैं दुआ करूंगा, आपने बच्चों की प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। ज्योतिधर जी आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और जितने देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आज आपसे फुल ईमानदारी दिखाएं, पूरी ईमानदारी दिखाएं, इस वचन को दूसरों को शेयर करें, ताकि वो अपनी जिंदगी में उस फीलिंग्स को जो आप ले रहे हैं, जो आशीषित आप हो रहे हैं, वो भी ले सके। और ये हमारा काम है उसे बांटना, हमारा काम है जो खुशी, जो जो सुसमाचार, जो खुशखबरी हमें मिली है वो दूसरों को भी दें, जरूर शेयर करें मेरे भाई बहनों, बिल्कुल भी निराश ना हो कभी भी, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी दोनों लाइन चल रही हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, चॉइस आपके हाथ में है, मेरे हाथ में भी फोन है, आपके हाथ में भी फोन है, बात यह है कि हम कनेक्ट कहां होते हैं, बात यह है कि आप कनेक्ट संसार के साथ हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लोगों के साथ हो रहे हैं, इस बात पे आपका जीवन निर्भर है। मैं दुआ करता हूं आपके लिए, सागर जी आपके लिए भी, सभी के लिए दुआ करता हूं, अपने सीने पे हाथ रखिए, सभी लोग अपने सीने पे हाथ रखें और मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हमें आवश्यकता है पिता आपके प्यार की, हमें जरूरत है आपके अनुग्रह की पिता परमेश्वर, हमें जरूरत है पिता परमेश्वर कि आप हमें बिल्ड करें, हमें बनाएं, हमें जरूरत है पिता परमेश्वर कि हम तुझ में आनंद मनाएं पिता परमेश्वर, और वो हमारा आनंद कोई हमसे छीन नहीं ले गए, हमारा विश्वास है। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु हम अपने आप को, अपने परिवारों को आपके पवित्र और सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद से भर दे, हमारे जिंदगी को ऐसा बना कि हम प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएं, प्रार्थना करने से परमेश्वर पिता हमारे जीवन में से हम उस समझौते को दूर कर पाएंगे जो शैतान कराना चाहता है, प्रभु उस प्रार्थनाओं के द्वारा हम उसे हरा सके, और हम थैंक्सफुल हो हम सारी योजनाओं के लिए जो आप हमारे जिंदगी में लाते हैं प्रभु,
पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे किए हुए पापों को माफ कर, हमारी गलतियों को माफ कर, हमारे पीछे जो श्राप लगे हैं वो चले जाएं, दूर हो जाएं, आने वाले रास्ते खुल जाएं, हमारे फाइनेंस पर आशीष दीजिए प्रभु, हमारे जीवन पर आशीष दीजिए प्रभु जी, हो जाने दे परमेश्वर कि हम तुझ में बढ़ नहीं पाए, हो जाने दे हम बेहतर चीजें सीख सके खुदा, हो जाने दे कि हम जो सीख रहे हैं प्रभु से हमारे जीवन हरा भरा हो और अच्छे फलों से लदा रहे और हम एक आदर्श बने अपनी पीढ़ियों के लिए, हमारी पीढ़ी हमसे सीख सके खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आंखें बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं हृदय से खुदा, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु आज मैं उनके लिए मांगता हूं खुदा, जैसे इसराइलियों के लिए मूसा ने मांगा खुदा, और यहोशू जब युद्ध लड़ रहा था प्रभु वो हार रहा था तो मूसा ने अपने हाथों को उठाया और वो प्रार्थना करने लगा, यहोशू युद्ध जीत गया, मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूं, इनके संग्राम जीते जाएं, इनके युद्ध जीते जाएं, इनके जीवन के वो समझौते भरे जिंदगियों पर जो शैतान का जाल पड़ा है वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग दब गए कुचल गए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुखों को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया है प्रभु जी, जिन्होंने अपनी निराशाओं को हिस्सा बना के बैठ गए तो निराशा के अलावा कुछ नहीं है प्रभु, उनके जीवन में एक मार्ग खुलने के लिए मैं मांगता हूं खुदा परमेश्वर, मांगता हूं पिता परमेश्वर इनके जीवन को बदल दे, इनके बच्चों के रहन सहन को, इनके जिंदगियों में तेरे पवित्र आत्मा रिलीज हो जाए, हालेलुया, रिलीज योर होली स्पिरिट, हालेलुया, फिल विद योर होली स्पिरिट, हालेलुया, ओ फिल विद योर पीस, हालेलुया, ओ रिबा सेखे तेरे लबा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इनकी दशाओं से इन्हें बाहर निकाल पिता, इनकी प्रार्थनाओं में इन्हें आनंद आए पिता परमेश्वर, आपके साथ बैठ करके प्रभु जब ये संबंध मिलाते हैं प्रभु, जब ये प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध छिड़ा हुआ खुदा, जो पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे, जो आकाश मंडल में दुष्ट की सेना है, जो मनुष्य के कामों को रोकती है, जो मनुष्य के बीच में दरार डालती है, जो मनुष्य के परमेश्वर को रिलेशन को तोड़ती है, उनके विरोध में जो युद्ध छिड़ा हुआ प्रभु जी उसे जीत करके मेरे भाइयों को आगे बढ़ा, मेरी बहनों को आगे बढ़ा, इनके फाइनेंस के दायरे बढ़ने पाए, इनके घरों के दायरे बढ़ने पाए, इनकी चौखटे बड़ी हो जाए प्रभु जी, इनके दिल के दरवाजे, इनके दिल की खिड़कियां, इनके दिल के किवाड़, इनके फाटक खुल जाए पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे दास होने के नाते इन भाई बहनों को आशीष देता हूं, मैं तेरे दास होने के नाते जितने नाम इस समय चल रहे हैं स्क्रीन पर, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, ये तीन बातें परमेश्वर पिता इनकी जिंदगी को बनाए पिता, ये तीन बातें परमेश्वर इनको शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए, शैतान के मनसूबों को खत्म करने के लिए काफी है पिता परमेश्वर, और हम विनती करते, मैं विनती करता हूं इनके पैरों को मजबूत कर, इनके पैरों के नीचे शैतान के फन को कुचलने की ने दे, तूने कहा परमेश्वर आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोने का अधिकार दिया, वरन शत्रु की सारी सामर्थ पर, शैतान की सारी हुकूमत पर, शैतान के सारे मंसूबों को खत्म करने का अधिकार दिया है, मैं तेरे दास होने के नाते अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं प्रभु जी, जो निर्बुद्धि से हो गए उन्हें बुद्धि से भरने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो काम करने वाले हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी भाई लोग हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करूं उनके जीवन के रास्ते खोल जाए यीशु के नाम में, इनकी जिंदगी से डेवल के काम सारे नाश हो जाएं, ए डेवल तेरी योजनाओं को बलहीन करते हैं, शक्तिहीन करते, नष्ट करते इनकी जिंदगियों से, और ये खुशहाल जीवन जी सके प्रभु, इनके जीवन के मूल मंत्र प्रभु, जो खुश होने के मूल मंत्र है प्रभु, उनकी जिंदगी में आ सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ये तीन बातें याद रखी, मैंने तीन बातें याद रखी, अभी भी दुष्ट आता है भुलाने के लिए आता है, पर भूलिए मत, अगर आपने नोट की है अपने हृदय की पट्टियों पर, आपने नोट किया है अपने दिमाग में, आपने नोट किया आत्मा में, आप सुन रहे हैं सीख रहे हैं डेली मंडे टू फ्राइडे 7:30 लाइव होकर जो सीख रहे हैं, वो बीज निकलने वाला है, वो पौधा निकलने वाला है, रस भरे फल होंगे आपके, फलवंत होंगे, आत्मा के सारे फल आपके अंदर आएंगे,
आत्मा के अभिषेक से आप भरे होंगे। मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं, आप अपने बच्चों में बेहतर से बेहतर परिणाम देखने पाएंगे। आप अपनी लाइफ में आज ही से, जब आपने तीन बातें सुनी है, आज आज से इन्हीं बातों को जब आप फॉलो कर रहे हैं, आप हर एक पग पग में, हर एक घड़ी घड़ी में, जहां जहां आप चलेंगे, जहां जहां आप जाएंगे, जहां काम करेंगे, जहां जहां परमेश्वर की योजनाओं के द्वारा आप जा रहे हैं, वहां पर आप ब्लेस हो रहे हैं। आज आज ब्लेस हो रहे हैं, आज आज आप आशीषित हो रहे हैं। बोलिए, मैं आशीषित हूं। यस, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है, ये खुदा का वचन है। ये परमेश्वर वचन मैंने नहीं छापा, परमेश्वर ने मैं दिया है। ये प्रभु का वचन है और इसमें जो लिखा वो हमारे लिए है। हालेलुया। इन तीन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उतार लीजिए। मैंने बताया ना, मेरे 13 साल उसमें जो सिखाया ना खुदा ने, मेरी आखिरी सांस तक वो काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। उन आंसुओं को जो मैं, उन चेहरों को जानता हूं जिन्हें जिन्हें मैंने देखा, उन लाखों लोगों को, कई लाख लोग जिनसे मैं बात की कॉल पे, जिनके जीवन बदले, आज वो थैंक्सफुल हैं। कितने लोग वहां पर कल आए थे जिनसे मैंने बात की थी। हालेलुया, परमेश्वर महान है। हालेलुया। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर से कहना, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि कल सुबह की प्रार्थना आपको मिल जाए। मैं आपको आशीषित करता करना चाहता हूं एक छोटी सी प्रार्थना से। क्या आप चाहते मैं आपको स्पेशल प्रेयर दूं अभी? क्या आप चाहते मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूं? यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो सचमुच में अपने मन के किवाड़ों को खोल लीजिए। ये प्रार्थना आपके जीवन को छुएगी, ये प्रार्थना आपके जीवन को छुएगी, आपके हृदय में एंटर करेगी। हालेलुया, आपके दिलों के, हृदय की जगहों पर जहां पीड़ा है वहां उसे चीर के आगे बढ़ेगी। अपने सीने पर हाथ रखिए, मैं दुआ करना चाहता हूं आपके लिए, दुआ करना चाहता हूं। अपने सीने पर हाथ रखिए, अपनी आंखों को बंद करिए, क्रूस के पास आ जाए, उस यीशु के क्रूस के पास जिसने कतरा कतरा बहा दिया, कीमत चुकाई आपके दंड के लिए, कीमत चुकाई है, रिबा से खेते रिलेबा। मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने उन देखने वालों के, अपने सारे व्यूवर्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के सामर्थी, सामर्थी नाम से पिता प्रभु, वो डोर ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो खिड़कियां खुल जाए खुदा यीशु मसीह, वो आकाश के वो झरों के पिता परमेश्वर, जो वायदे और इरादे के साथ, योजनाओं के साथ परमेश्वर, तेरे मनसूबों के साथ भेजे गए हैं प्रभु जी, वो रिलीज हो इनकी जिंदगियों में, इनकी जिंदगियां बदले यीशु नासरी के सामर्थी, सामर्थी, सामर्थी नाम में। ए डेवल, इनसे दूर हो यीशु मसीह के नाम से। इनके हृदयों की सारी कड़वाहट, इनके हृदयों के सारे दुख, इनके हृदयों में जो दर्द है, इनके हृदयों में जो पीड़ाएं तूने दे रखी है, शैतान तेरे हाथ को नाश करते हैं, तेरे चेहरे को, तेरे मनसूबों को, तेरी आंखों को, तेरी घात करने की योजनाओं को असफल करते हैं, उन्हें खंडित करते हैं इनकी जिंदगी से। मैं अपने भाइयों को इसी समय आशीष देता हूं। मेरे पीछे बोले, पवित्र आत्मा आ और हमें छू ले, पवित्र आत्मा आ और हमें जीना सिखा दे। हम जी नहीं पा रहे, हम फंसे हुए महसूस करते हैं, हम अपनी जिंदगी में दुखों में फंस गए। पवित्र आत्मा हमें सिखा, हमें निकाल उनमें से, हमें हमें बाहर कर, हमें आत्मा को भर दे, हमारे हृदय में निवास कर, हमें ठंडक दे, हमें शांति दे, हमें अपनी आशीष से भर दे। परमेश्वर, मैं स्पेशली इनके लिए दुआ करता हूं, आपके दरवाजे के पास रहा, आपके सिंहासन के पास लाता हूं, आपके चरणों के पास लाता हूं मैं अपने भाई बहनों को। पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी पाप हैं आपने वादा किए हमसे, आप वादे के परमेश्वर, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी हैं, अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। प्रभु तूने कहा मैं तेरे पापों को पूरब से जितनी पश्चिम दूर है उतनी दूर कर दूंगा। आज घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई बहनों उसके सिंहासन के पास आ जाए, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा, आपके पापों को गिनेगा नहीं है, वो
बस वो ये कहता फिर से पाप मत करना, चले आओ यीशु मसीह के पास, चले आओ उस परमेश्वर के पास। हालेलुया, थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं इस भीड़ को, इस लोगों को खुदा जो मुझे आप दिखा रहे हैं प्रभु जी, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। जितने लोग अपने परिवारों के साथ देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, या अकेले देख रहे हैं, कपल्स देख रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। उनकी भिन्न भिन्न योजनाएं प्रभु जी वो सारी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पास धन की कमी हो धन आ जाए पिता, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग की कमी है प्रभु उनके गर्भाशय को छूले खुदावन, गर्भाशय की बांझपन यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया, परमेश्वर जो पीड़ाओं में चिंतित है यीशु के नाम में, जो डिप्रेशन में प्रभु जी वो यीशु के नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जिनके बिजनेस ठप हो गए प्रभु वो फिर से व्यापार फले फूले, परमेश्वर तेरे वचन उन्हें उठाए उभारे, उनकी जिंदगी को भर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा ये कर सके पिता। जिनके धन की कमी है, कर्जे में है, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, छुटकारा नहीं है, आशाहीन हो गए प्रभु जी, और परमेश्वर शैतान ने दबा दिया, कुचल दिया, और अपने जिंदगी को हिस्सा वो मान करके जी रहे प्रभु, उन पीड़ाओं से, इन दर्द के स्थानों से प्रभु अपने लहू का मरहम इनके ऊपर लगा दे प्रभु, अपने शफकत भरे हाथ को लगा दे पिता परमेश्वर। आप इनका छुटकारा करिए, आप वही परमेश्वर जो सृष्टि रचने वाले हैं, आप वही जितने इन्हें बनाया पिता परमेश्वर, आप इन्हें बचाएं, आप इन्हें अपने कंधे से सीने से लगाए पिता परमेश्वर, एक मां की तरह तसल्ली दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर भर जाए और आत्मा में संतुष्ट हो जाए। मैं इन्हें आशीष देता हूं, मैं इनके हृदय को शांति देता हूं, मैं इनके हृदय को चंगाई देता हूं, मैं इनके हृदय को चाहता हूं पिता परमेश्वर कि आप अपने हाथ लगा के भरिए पिता, इनके माथों को छू ले पिता, इनके माथे में जो डिप्रेशन, इनकी सोच विचारों को ऐसा बनाए जैसे आपके हैं पिता, इनके विचार खाली हो जाए, इनके विचार खाली हो, अपने विचारों को भर, इनके विचार सुरक्षित हो जाए प्रभु जी। डेवल कोई भी दूसरी बात इनकी जिंदगी में ना लाए, कोई कड़वाट, कोई दुचित बातें ना लाए पिता, इनका कैरेक्टर पवित्र होते चला जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप आशीष पा रहे हो ओसम ग्रेस प्रार्थना भवन से, आप ओसम ग्रेस की मदद कर सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आप ओसम ग्रेस की मदद कर सकते हैं अपने हाथ को बढ़ा के, ताकि ये ओसम ग्रेस जब सुसमाचार सुनाने दूसरे जगहों पर जाता है, भिन्न भिन्न जगहों पर जाता है, गरीबों की सहायता करता है, और जहां पानी नहीं है पानी की सुविधा करते हैं, तो आप उसमें हाथ जरूर बढ़ाएं। यदि आप ब्लेस हो रहे हैं, यदि आप आशीषित हो रहे हैं, यदि आप थैंक्सफुल हैं तो जरूर थैंक्सफुल रहें, और इसे जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपका आशीष दे। कल सुबह साढ़े सात बजे एक नई योजनाओं के साथ, आज तीन बातें जिन्होंने नहीं सुनी है, जिन्होंने सुनी फिर से सुनिए, इस वचन को सुनिए, सचमुच में आपकी जिंदगी से, सुनिए ध्यान से, सचमुच में आपकी जिंदगी से शैतान के मंसूबे, शैतान की योजनाएं, डेवल के बनाए हुए जाल और चाल सब खत्म हो जाएंगे जब आप इन वचनों को अपनी जिंदगी में रख लेंगे। मैं आशीष करता हूं आपको, मैं आशीष देता हूं प्रभु का दास होने के नाते रिसीव करिए, मैं आशीष देता हूं हर एक परिवार को, मैं आशीष देता हूं हर एक घर को, मैं आशीष देता हूं हर एक भाई को, मैं आशीष देता हूं हर एक बहन को, मैं आशीष देता हूं हर बच्चों को जो एग्जाम में इस समय एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके उनके एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है प्रभु जी, मैं आशीष देता हूं उन सभी को यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रार्थना भवन खुला है, आप कॉल कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। मैं फिर से आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आशीषित हैं तो जरूर इस भवन की मदद करें, सहायता करें इस मिनिस्ट्री की। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे, खुश रहिए, प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवादी बने रहिए। जय मसीह की।